यस मैम, चैप्टर 8 की वर्ड मैंने सेंड कर दी। हेलो मैम, बेटा दोनों चैप्टर के एक साथ करूंगी मैं। बी आर पर मैं व्हाट अबाउट यू। यस, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो आज हमें पढ़ना है, आज की क्लास हम क्या पढ़ेंगे, हाउ ग्लोबल वार्मिंग अकर एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग होती कैसे है एंड उसके हो जाने के बाद उसके क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं। ओके यस मैम, चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम। तो आज क्या पढ़ना है, सबसे पहले हाउ ग्लोबल वार्मिंग अकर, दैट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है और इसके इफेक्ट क्या क्या हैं, ये हमें डिस्कस करना है। तो बेटा लास्ट क्लास को लेके किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम, मैम क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। यस बेटा, ये वाले क्वेश्चन आंसर मैम 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 लेटेस्ट ट्राई का मैम। नो मैम, आंसर बता दीजिए मैम। फर्स्ट एंड सेकंड मैम क्योंकि मैम लेटेस्ट ट्राई का फर्स्ट एंड सेकंड मैम क्योंकि हम ज्वाइन नहीं किए थे। फर्स्ट इज सेकंड इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। यस मैम। नो मैम, मैम ये आता है। यस मैम, फिर कौन सा लेटेस्ट ट्राई मैम? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी वन ग्रीन हाउस गैस। बेटा इसमें तो आपको किसी भी एक गैस के बारे में, या तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में लिख सकते हैं, या फिर मीथेन के बारे में, या फिर नाइट्रोस ऑक्साइड के बारे में, या फिर CFCs, या फिर ओजोन। तो आपको किसी एक गैस के बारे में डिटेल में समझाना है बस। ओके यस मैम, इट्स सो वेरी इजी। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। यस मैम, यस मैम, बुक में है। और किसी क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट है? नो मैम। नो नो मैम, नो मैम। अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। यस मैम। चलिए तो आज हमें पढ़ना है ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है एंड उसके इफेक्ट क्या क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जो हमें बॉक्स में दिया हुआ है इसके बारे में स्टडी करते हैं। बेटा आवाज किसके यहाँ से आ रही है? सभी को अपना माइक ऑफ रखना है। सौरभ, यस। तो देखिए, द सन इज द मेजर सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ। तो हम सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ पे हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करने वाला, रोशनी देने वाला अगर कोई है तो वो सन इज द अल्टीमेट सोर्स। सूरज एक अकेला ऐसा मॉडम है, एक अकेला ऐसा माध्यम है जो हमारी अर्थ पे रोशनी भी देता है एंड हीट भी देता है। इसके अलावा और कोई चीज नहीं है। Some of its heat is observed by the earth. तो इसकी कुछ हीट हमारी अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है एंड द रिमेनिंग इज रिफ्लेक्टेड बैक इन टू द स्पेस। और कुछ जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है दोबारा स्पेस की तरफ। वॉट वुड हैपन इफ दिस हीट गेट्स ट्रैप इन द अर्थ एटमोसफेयर, डिस्कस। तो अब हमें इस टॉपिक में यही पढ़ना है कि ये जो सन हीट है जो कि कुछ हमारी अर्थ जो है वो ऑब्जर्व कर लेती है, तो ये जो हीट नहीं बैक होके जा पाती, इस हीट को हमारे हमारी अर्थ पे ये रुकी रह जाती है, तो इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, तो यही हमें डिस्कस करना है। और इसी से रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग। ओके यस मैम। सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस आर नेसेसरी टू कीप द अर्थ वार्म। तो बेटा हम सभी ने पढ़ा है कि हमारे एटमोस्फेयर में कुछ ग्रीन हाउस ऐसी हैं जो कुछ ग्रीन हाउस बहुत ही नेसेसरी हैं, बहुत जरूरी हैं हमारी अर्थ को वार्म अप रखने के लिए, गर्म रखने के लिए। क्योंकि अगर ये एयर ना हो तो हमारी अर्थ ठंडी हो जाएगी और हम लोग कैसा फील करेंगे, एक पोलर एरिया की तरह। दैट मीन्स कि जो पोलर एरिया है जहां पर बर्फ गिरी रहती है, हमारे एरिया में भी ऐसा ही हो जाएगा अगर ये गैस ना हो। एंड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बिकमिंग वेरी कोल्ड। तो यही ग्रीन हाउस गैसे हैं जो हमारे एरिया को बहुत ठंडा होने से बचाती हैं। हाउएवर, राइजिंग पॉल्यूशन लेवल, डिफोरेस्टेशन एंड केयरलेस यूज ऑफ अप्लायंसेस लाइक एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर हैव लेड टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट्स।
अब आप सभी को ये देखिए, हम सभी ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां चल रही हैं। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन, दैट मीन्स कि जंगलों को भी कंटिन्यूअसली काटा जा रहा है। एंड इसके अलावा केयरलेस यूज ऑफ अप्लायंसेस, बहुत सारे उपकरणों का इस्तेमाल हम करते हैं केयरलेस तरीके से, मतलब दैट मीन्स कि हमें जितना नहीं चाहिए हम फिर भी चला लेते हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर। तो एसी एंड रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, ये आजकल मोस्टली घरों में है और सभी इसका यूज भी करते हैं क्योंकि सब बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, थोड़ी सी गर्मी थोड़ी सी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को ठंडा ठंडक देने के लिए या गर्माहट देने के लिए एसी का, या फिर ठंडे पानी के लिए, चीजों को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा मोस्टली घरों में है ना आजकल ये सब चीजें। Yes, ma'am. अब आपको पता है क्या होता है इनसे, दे हैव लेड टू एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ द गैसेज इन एटमोसफेयर। अब हमारे एटमोसफेयर में ये ग्रीन हाउस गैस बढ़ती जा रही है। दिस हैव कंसिक्वेंटली लेड टू एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर एंड रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग। और अब क्या हो जाएगा, दिस हैव कंसिक्वेंटली, दैट मीन्स की अगर लगातार ऐसे ही बढ़ती गई हमारी अर्थ टेम्परेचर में, ऐसे ही बढ़ती गई है गैसे, तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। क्योंकि अभी देखिए हमने ये पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि ये जो ग्रीन हाउस गैसे हैं ये क्या करती हैं, सन हीट को रिफ्लेक्ट होकर के जाने नहीं देती। तो अब जितनी ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जितनी ज्यादा पेड़ों को काटा जा रहा है, जितने ज्यादा हम लोग एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, उतना ज्यादा सन हीट अब यहीं पर रुकेगी, बहुत सारी सन हीट अब वापस नहीं जा पाएगी, है ना। तो अब क्या होगा फिर, yes, ma'am. ज्यादा सन हीट, ज्यादा एनर्जी रुक जाएगी, तो हमारे आसपास का जो एटमोसफेयर है वो ज्यादा ही गर्म हो जाएगा। दैट मीन्स कि फिर हमें घर में ही रहने की जरूरत है, बाहर रहने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग एसी चला रहे हैं, घर तो ठीक है लेकिन बाहर का माहौल बिगड़ता जा रहा है। एंड बाहर का माहौल कैसे बिगड़ रहा है और वो कितना बिगड़ सकता है, यही हमें पढ़ना है। चलिए, तो अभी ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। The consequently lead to increase in the atmosphere temperature is known as global warming. तो हमारी अर्थ के टेम्परेचर में लगातार इंक्रीज हो रहा है, बढ़ती जा रही है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और इससे ही क्या आ जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारा पूरा जो ग्लोब है, हमारी जो पूरी अर्थ है वो एक ग्लोब का मॉडल है, जो इसे हमारे अर्थ के मॉडल को ग्लोब नाम दिया गया है और इसी बिहाफ पे ग्लोबल वार्मिंग रखा गया है। दैट मीन्स कि जो हमारा अर्थ है ना, जो हमारी अर्थ है वो पूरी कंप्लीटली गर्म हो जाएगी और इसे ही क्या कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो अब हमें ये पढ़ना है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, लेट अस लर्न हाउ ग्लोबल वार्मिंग अकर। तो आप सभी को ये ध्यान से सुनना है क्योंकि इस टॉपिक के बाद आप सभी से क्वेश्चन पूछने हैं, ओके। चलिए, तो सबसे पहले है, सन रेस एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड रीच इट्स सरफेस। तो सबसे पहले क्या होता है, सन जो है वो चमकता है बिल्कुल तेज रोशनी के साथ और इसकी जो हीट है, इसकी लाइट है, वो हमारी अर्थ पे पड़ती है और इसके सरफेस पे पड़ती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब क्या होता है, फिर रोशनी भी आ गई, इसकी हीट भी आ गई। सम ऑफ द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन रेज इज ऑब्जर्व बाय द अर्थ सरफेस। इसकी कुछ हीट, कुछ रोशनी हमारी अर्थ ऑब्जर्व कर लेती है, विच हीट्स अप, जिसकी वजह से गर्मी हो जाती है। द अर्थ सरफेस एमिट्स दिस हीट इनटू द एटमॉस्फेयर। और कुछ हीट जो है, ये हमारी जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, जो आपको ये पिंक कलर का दिया हुआ है पैटर्न, तो ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो इस हीट को बनाए रखती हैं, ट्रैप कर लेती हैं, रोक लेती हैं, दोबारा नहीं जाने देती हैं वापस। तो एन एनवेलप ऑफ ग्रीन हाउस गैस ट्रैप, तो ये एक एनवेलप है, एक कहते हैं एक लिफाफा टाइप का, एक ऐसा लिफाफा है जो अपने अंदर इन हीट्स को ऑब्जर्व कर लेता है, बंद कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, वापस ऊपर नहीं जाने देता है। अब आगे क्या होता है, सम हीट एस्केप्स इनटू स्पेस व्हाइल मोस्ट ऑफ इट गेट्स ट्रैप्ड ड्यू टू एन एनवेलप ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। तो कुछ सन हीट जो ट्रैक की गई थी, इसमें से कुछ ही ऊपर जा पाती है और बाकी ये जो हमारी ग्रीन हाउस गैसें हैं ना, यही रोक लेती है, वापस नहीं जाने देती, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सारी गैसें जो हैं,
ये सन हीट को यहीं पर रोक लेती हैं। अब देखिए फोर्थ क्या होता है, हीट जनरेटेड ड्यू टू द ट्रैप गैसेस। अब ये जो ट्रैप गैसे हैं जो यहां से जा ही नहीं पाई क्योंकि उनको ब्लॉक कर दिया गया यहीं पर, तो अब ये क्या करेंगी, गुस्सा तो निकालेंगी ही, आसपास की चीजों को गर्म कर देंगी। तो अब आगे देखिए क्या होता है फिर, दिस ट्रैप्ड हीट वार्म्स द अर्थ एटमोसफेयर विच इन टर्न हीट्स अप द अर्थ सर्फेस काउजिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो ये ग्रीन हाउस का जो ये ब्लैंकेट है ना, जो एनवलप है, हमने इसे और मोटा कर दिया है। क्यों मोटा कर दिया है? क्योंकि हम सभी लोगों के यहाँ फैक्ट्रियां चल रही हैं, हम लोग सब पेड़ों को काटे जा रहे हैं, एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पतला सा था लेकिन अब मोटा हो गया है। तो यानी कि अब हम सन हीट को ज्यादा यहाँ पर बचाने लगे हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास ज्यादा गर्मी होने लगी है, और इसी वजह से अब क्या हो गया है, इससे ही क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग। दैट मींस कि अगर ये गर्मी ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ टाइम बाद ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, दैट मींस पूरा एरिया गर्म हो जाएगा। ओके, यस मैम। तो आप सभी को ग्लोबल वार्मिंग समझ आया क्या है और कैसे होता है? यस मैम। चलिए तो मैं आप सभी से क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे, इसके प्रभाव पढ़ेंगे। ओके, यस मैम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यस दिव्या, आज आपसे स्टार्ट करते हैं। यस दिव्या, नाउ यू टेल बेटा, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग। दिव्या बेटा आपका माइक ऑफ है। यस दिव्या, द अमाउंट ऑफ दिस गैस इन द एटमॉस्फेयर दिस हैव लीड टू एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर्स एंड इज ग्लोबिंग वार्मिंग, इज कॉल्ड ग्लोबिंग वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। यस तनिष्का, नाउ यू टेल बेटा। मैम द कंसिक्वेंटली टू लेड टू इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर आर कॉल्ड मैम ग्लोबल वार्मिंग। ओके, वेल ट्राइड। चलिए नेक्स्ट कौन? यस अनुप्रिया, नाउ यू टेल। अनुप्रिया आवाज जा रही है आपको? यस मैम, मैम एटमॉस्फेयर हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर एंड रिजल्टेड इन ग्लोबल वार्मिंग, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ओके अतुल, नाउ यू टेल बेटा, व्हाट आर द मेन गैसेस दैट caused global warming in our earth surface? Ma'am, I tell. Yes, Akansha, now you tell me, what are the main gases in our earth surface that caused global warming? Ma'am, I tell. Yes, Aman, now you tell. Ma'am, chlorofluorocarbons are the main greenhouse gases. No, beta, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन भी है, अभी कम है ये, लेकिन इनका भी अमाउंट ज्यादा हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी मिलकर के हमारे एटमोसफेयर को गर्म करेंगे। ओके, यस मैम। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी एक बार फिर आपसे एक बार पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है, जितना हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है वो भी। चलिए तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। यस एंड रेडी रहना है सभी को, क्योंकि जितना आपने पिछला पढ़ा है ना दो क्लासेस में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बताने हैं आपको।
तो अब आगे क्या होता है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो सकता है, तो हमें इसका रिजल्ट भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें रिजल्ट पता होता है तभी हम ये सोचते हैं कि कैसे बचाया जा सकता है. तो क्या रिजल्ट हो सकता है इसका? द राइज इन द अर्थ एटमोसफेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज लेड टू वेरियस हार्मफुल कंसिक्वेंस. तो अब देखिए, जैसे ही हमारे अर्थ के टेम्परेचर में राइज अप होगा, वो बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, इस हैड्स लेड टू वेरियस हार्मफुल कंसिक्वेंस. तो इससे अब लगातार ऐसे क्रम होते जाएंगे, ऐसी घटनाएं होती जाएंगी बहुत, जो बहुत ही हार्मफुल है हमारे लिए. तो अब कौन कौन सी हार्मफुल कंसिक्वेंस होंगी, कौन कौन सी हमारे लिए खतरनाक घटनाएं हो सकती हैं, तो देखिए लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज. इनमें से कुछ दिए गए हैं, और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन हमें इसमें से केवल कुछ ही दिए गए हैं. तो पहला क्या हो सकता है, द राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस लीड्स टू एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई कंडीशन कॉल्ड ड्राउट. तो अब हमारी अर्थ के टेम्परेचर में अगर लगातार गर्मी बढ़ रही है, वो गर्म हो रही है, तो बहुत सारे एरिया जहां पर पहले से ही पानी की कमी है, लीड्स टू एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई कंडीशन कॉल्ड ड्राउट. तो वो एरिया किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हॉट एंड ड्राई एरिया में. तो यहाँ पर हॉट एंड ड्राई कंडीशन हो जाएगी, ड्राउट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा यहाँ पर. ये दिख रहा है ना आपको पिक्चर में? Yes, ma'am. तो यहाँ yes, ma'am. अगर लगातार गर्मी बढ़ती रही तो कुछ एरिया तो ऐसे हो जाएंगे कि जहां पर सूखा पड़ जाएगा, पानी ही नहीं रहेगा, और यहाँ पर देखिए कोई पेड़ भी नहीं है, तो इस एरिया में कोई रह भी नहीं सकता है. अब और क्या रिजल्ट हो सकता है इनका, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ लीड्स टू द मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स इन पोलर रीजन. तो अब ये देखिए, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, दैट मीन्स कि अगर हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता गया तो इससे क्या होगा, जो मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, जो आइस कैप्स हैं, जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ है हमारे पहाड़ों पे, जो एक ऐसा अकेला सोर्स है वाटर का जिनके थ्रू हमारी झीलों में, हमारी नदियों में पानी आता है, तो वो एकदम से ही बह जाएंगे सारे के सारे, बर्फ पिघल जाएगी तो वो पानी नीचे आ जाएगा पोलर रीजन्स में. दैट मीन्स कि जहां पर ये भालू पाया जाता है बर्फ वाले एरिया में, वहां की सारी बर्फ पिघल जाएगी और ये भालू बह करके हमारे एरिया में आ जाएगा, और उसके बाद ये यहाँ रह नहीं पाएगा, क्योंकि इसको रहने के लिए तो ठंडा है, ये इसको रहने के लिए ठंडा रीजन चाहिए. यस मैम. तो यानी कि इसका जो नेचुरल हैबिटेट है वो खराब हो जाएगा, तो बेचारा ये भी गायब हो जाएगा. जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं दे बिकम एक्सटेंट, जो कि खतरे में है. तो अगर ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए ना, तो ये भी गायब हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में. यस बेटा, आप सभी, यस विकास बेटा, आपके यहाँ माइक ऑन है, आपका माइक ऑफ करिए. यस मैम. अभी हमने दो रीजन पढ़े हैं, पहला ड्राउट आ जाएगा, और अगला पढ़ा है हमने जो हमारे आइस कैप्स हैं, जो बर्फ हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो जाएंगे और ये सारी बर्फ पिघल के नीचे आ जाएंगी, एंड जो पोलर रीजन में रहने वाले जो एनिमल्स हैं, जो लोग हैं, वो सारे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट था, जो उनका रहने की जगह थी, वो खराब हो जाएगी, उजड़ जाएगी. चलिए, तो अब हमें ये पढ़ना है कि जब ये पानी बह करके आता है नीचे, तब क्या होगा. द वाटर फ्रॉम द मेल्टेड आइस काउज द वाटर लेवल्स इन द सीज एंड ओशियन टू राइज, काउजिंग फ्लड इन द लो लाइंग आइसलैंड एंड कोस्टल एरियाज. तो बाकी क्या होगा, देखिए जब ये पानी बह करके आएगा, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये पानी नदियों में, झीलों में, तालाबों में ही जाएगा, और उसके आसपास जिन लोगों ने घर बनाए हैं बेचारों ने, जब ये समुद्र में पानी बढ़ जाएगा तो उनके घरों में भी घुस जाएगा, क्योंकि ये पानी नीचे है, लेकिन जब लगातार ये बर्फ पिघलती रहेगी, पानी नीचे आएगा, तो इन नदियों में, तालाबों में पानी बढ़ता जाएगा, समुद्र में पानी बढ़ता जाएगा, और जो आसपास के एरिया में जिन लोगों ने घर बनाए हैं, इनके घरों में पानी चला जाएगा. दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, फ्लड, बाढ़ आ जाएगी यहाँ पर. ओके, तो कोस्टल एरिया है, दैट मीन्स की जो तटीय क्षेत्र हैं, ऐसे इलाके जो पानी के, दैट मीन्स की ऐसे एरिया जो कोस्टल हैं, जो नदी के किनारे या समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वो एरिया तो बिल्कुल ही डूब जाएंगे पानी में, क्योंकि वो पानी जो है वो इसका लेवल बढ़ जाएगा, वो आसपास के एरिया में चला जाएगा. ओके,
नेक्स्ट देखिए, अब और क्या हो सकता है? द चेंज इन क्लाइमेट कैन ऑल्सो अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन सिंस दे रिक्वायर सर्टेन क्लाइमेट कंडीशन फॉर प्रॉपर ग्रोथ. तो अब आगे देखिए, द चेंज इन क्लाइमेट यानी कि इस क्लाइमेट के इस चेंज से, जलवायु के इस परिवर्तन से, जो हमारे यहाँ का क्लाइमेट है, जो दैट मीन्स कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो क्लाइमेट चाहिए, हम जब उन्हें ग्रो करते हैं तो उन्हें थोड़े अमाउंट में पानी चाहिए, एकदम से पानी नहीं चाहिए उन्हें, थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए ग्रो करने के लिए. तो क्या होगा, जो क्रॉप प्रोडक्शन है दैट मीन्स कि जो फसलें उगाई जाती थी, जो हमें खाने के लिए चाहिए, जरूरी है, वो उन्हें सर्टेन क्लाइमेट कंडीशन चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए. उन्हें थोड़ी सी बारिश चाहिए, ज्यादा पानी नहीं चाहिए, सनलाइट भी प्रॉपर चाहिए, पानी भी चाहिए थोड़ा सा, थोड़ी सी नमी भी चाहिए. तो ये सारी कंडीशन ही गायब हो जाएगी. तो इफ ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है दैट मीन्स की जो फसलें उगाई जाती थी, ये भी अफेक्टेड हो जाएगी, ये भी प्रभावित हो जाएगी और खाने के लिए भी कमी आ जाएगी. अब अगर देखिए, हम यहीं पे बात करते हैं कोस्टल एरिया की, बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर घर बनाए थे वो यहीं पर खेती भी तो करते होंगे ना. Yes, ma'am. इनके खेत जो बिचारों ने इतनी मेहनत करी होगी, वो सारी फसलें बह करके पानी में मिल जाएंगी. कहते हैं ना, सब किए कराए पे पानी फिर जाना, तो हो सकता है ये कहावत इसी भी आप पे बनाई हो. तो इन्होंने बिचारों ने जो भी मेहनत की होगी, सारी बह करके पानी में मिल जाएगी. तो अब देखिए, हम सभी ने कितने सारे इफेक्ट पढ़े हैं ना ग्लोबल वार्मिंग के. Yes, ma'am. तो इससे क्रॉप प्रोडक्शन भी अफेक्टेड होगा एंड इट्स कैन लीड टू द फूड स्केयरसिटी. और इससे क्या हो जाएगा, खाने की कमी, यानी कि खाने के लिए चाहिए ज्यादा और मिलेगा कम, तो इससे खाने की भी कमी हो जाएगी. और कमी होगी तो उसकी महंगाई बहुत ज्यादा होगी, जो बेचारे गरीब हैं उनको तो खाने के लिए नहीं मिलेगा. चलिए, तो आपको ये इतना समझ आया सभी को? यस मैम. एक बार अब क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग से, एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं. चलिए, सबसे पहले अस्मित, नाउ यू टेल. यस अस्मित. मैम लीव हो गए. अस्मित लीव हो गए. अस्मित अच्छे बच्चे हैं, लीव नहीं होंगे, उनके यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा, बताते हैं वो क्वेश्चन का आंसर. ऐसे नहीं बोलना चाहिए लीव हो गए. चलिए, तो सबसे पहले ये सौरभ, नाउ यू टेल व्हाट आर द मेन काउजेज ऑफ पॉल्यूशन. मैम एनिमल्स आर सिक एंड एनवायरमेंट आर पॉल्यूटेड बाय हार्मफुल गैसेस. Waters are polluted and many trees and are sick and many people are die to drink dirty waters. बेटा आपको causes बताने हैं, कारक क्या क्या हैं, pollution किन चीजों से होता है, उसके effect नहीं बताने हैं. तो causes and effect दोनों में difference है. Smoking from factories, cutting yes. trees, throwing garbage in roads. Yes. Ma'am, throwing polythenes in water bodies. Yes. Ma'am, is that right? ओके, चलिए सत्य प्रकाश, नाउ यू टेल व्हाट आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस. मैम द ग्रीन हाउस इज ग्लास हाउस मेड इन ग्लास पैनल. नो बेटा. Yes, hold on. बेटा आपको ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में बताना है, आपको ग्रीन हाउस नहीं बताना है, ग्रीन हाउस नहीं डिफाइन करना है, ग्रीन हाउस गैसेस बतानी है. यस निहारिका, नाउ यू टेल व्हाट आर द मेन ग्रीन हाउस गैसेस. कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, नाइट्रो ऑक्साइड, मीथेन. यस वेरी गुड.
Roman, now you tell. Describe the greenhouse effect. The effect of greenhouse of drought and the melting of the ice caps and the flood is coming off the coastal areas and not production of crops. बेटा आज आप सारे ही कंफ्यूज हो रहे हो. मैंने आपसे पूछा डिस्क्राइब ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिस्क्राइब करना है, बताना है. ग्लोबल वार्मिंग, अमन आप ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट बता रहे हैं. यस मैम, एटमॉस्फेयर ट्रैप द हीट फ्रॉम द सन एंड द मेक द सरफेस ऑफ द अर्थ वार्म. दिस इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. यस करेक्ट आंसर. चलिए अब आपको बताना है. यस शान्विका, नाउ यू टेल व्हाट आर द मेन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. मैं टेल मैम, ग्लोबल वार्मिंग इज सो हार्मफुल. मैम ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ from which the all the polar region are melt and many of the animal are extinct because of global warming. Okay, very good. चलिए next question का answer बताना है तनिष्का को. Yes तनिष्का, now you tell. मैम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दीजिए. बेटा अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा है, अभी क्वेश्चन पूछना है. एक बार देखते हैं अभी और कौन कौन से क्वेश्चन हैं इसमें. यस तनिष्का, नाउ यू टेल. डिफाइन एटमॉस्फेयर. बेटा माइक ऑफ तनिष्का. Yes, Tanishka. Ma'am, our earth is covered by a layer of air called ma'am atmosphere. Very good. चलिए तो फिलहाल ये टॉपिक भी हो चुका है. अब एक बार ये लास्ट हमारा रहता है, इसे भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम सभी लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. ओके Yes, ma'am. अब हमें ये क्यों दिया है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल. तो सबसे पहले आपको इनके मीनिंग पता होनी चाहिए. रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग, तो हमें किन चीजों का कम उपयोग करना है. दूसरा है रिसाइकल, यानी कि पुनः चक्रण, नया बना देना है. और तीसरा है अगला है रीयूज, यानी कि अगर हमने कोई चीज एक बार इस्तेमाल किया तो उसे दोबारा भी इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है. तो ये तीन ऑप्शन क्यों रखे गए हैं, दैट मीन्स की ये 3R फॉर्मूला क्या है. रिड्यूस यानी कि कम उपयोग, रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण, और रीयूज यानी कि दोबारा उपयोग. तो ये क्या है देखिए, अब हमें हम पढ़ते हैं. ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है ये, तो अब हमें क्या करना है, रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज. फिलहाल ये थोड़ा इम्बैलेंस लग रहा है. रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल होना चाहिए. रिड्यूस रीयूज एंड लास्ट में रिसाइकल, दैट मीन्स की कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण. तो इसमें आपको रीयूज को आगे रखना है, रिसाइकल को पीछे कर देना है. ओके चलिए तो एक बार इस टॉपिक को एक बार पढ़ते हैं हम. ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरमेंट. तो ये हम सभी पढ़ तो चुके ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए फिलहाल अच्छा नहीं है. अगर ये ऐसा हो गया तो बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी. तो ये हमारे एनवायरमेंट के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. हार्मफुल फॉर अवर एनवायरमेंट. वी कैन प्रिवेंट और कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग बाय प्रैक्टिसिंग द 3R फॉर्मूला. तो हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को. कैसे कम कर सकते हैं, बाय प्रैक्टिसिंग द 3R फॉर्मूला. अभी 3R फॉर्मूला क्या है, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल. तो अब रिड्यूस क्या है, इट इन्वॉल्व्स रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. दिस कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. तो देखिए हम कम उपयोग करें किन चीजों का, फॉसिल फ्यूल्स का.
दिस कैन बी डन बाय रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि हम कम पेट्रोल इस्तेमाल करें। जैसे मैंने आपको बताया ही था कि अगर एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों को जाना हो तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग गाड़ियां यूज करें, सभी एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, और हमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर हमें पास के ही किसी मार्केट में जाना है तो हमें बाइक लेकर के नहीं जाना है। ये अपने फैमिली वालों को भी सजेस्ट करना है कि अगर आपको थोड़ी दूर के लिए जाना है तो बाइक मत यूज करिए, पैदल जाइए। इससे एक तो फिटनेस भी ठीक रहेगी और दूसरा हमारा एनवायरमेंट भी ठीक रहेगा। ओके और इसके अलावा हमें कोल का भी इस्तेमाल कम करना है। वी शुड एनकरेज कार पोलिंग, तो हमें कार पोलिंग के लिए एनकरेज करना है। दैट मीन्स कि अगर बहुत सारे मेंबर्स एक ही फैक्ट्री में जाते हैं, एक ही एरिया में जाते हैं, तो वो सभी अपनी पर्सनल गाड़ी से ना जा करके सभी लोग एक साथ बैठ करके एक ही गाड़ी से जाएं। एंड इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना है। एंड मॉडरेट यूज ऑफ एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर का इस्तेमाल हमें कम से कम करना है, क्योंकि एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा एनवायरमेंट हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो हमें एयर कंडीशनर का इस्तेमाल कम से कम करना है। फिलहाल ये हमारे लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि जैसे ही हम एयर कंडीशनर से डायरेक्टली बाहर की एयर के कांटेक्ट में आते हैं ना, तो हम ऐसे ही बीमार पड़ जाते हैं। और देखिए अब आगे क्या करना है। वी शुड यूज CFLs कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स रेदर देन द रेगुलर बल्ब्स एंड स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस व्हेन नॉट नीडेड टू सेव एनर्जी। तो अब आगे देखिए हमें बल्ब कौन सा यूज करना है, CFLs, दैट मीन्स की कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प्स। तो बेटा आप सभी के घर में भी ऐसे बल्ब यूज किए जाते होंगे जो व्हाइट कलर की लाइट देते हैं, ट्यूबलाइट की तरह किए जाते हैं। यस मैम, यस मैम। जो पहले येलो वाला बल्ब यूज किया जाता था ना, वो बहुत ज्यादा पावर हमारी यूज करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करता है। तो हमें उसके बजाय CFLs छोटे वाले बल्ब जो व्हाइट कलर की लाइट देते हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एंड एलईडी, यस एलईडी, CFLs जो छोटे वाले बल्ब रहते हैं, दैट मीन्स कि जैसे आप येलो वाला बल्ब लगाते थे ना, उसी की तरह दूसरा बल्ब आता है लेकिन वो व्हाइट लाइट देता है। यस मैम, यस मैम, यस। तो वही बल्ब यूज करना है, क्योंकि उससे बहुत कम पॉल्यूशन होता है, बहुत कम हमारे आसपास का टेम्परेचर गर्म होता है। अगर आपने कभी फील किया हो बेटा, अगर आप येलो वाला बल्ब जलाते हैं ना, तो आपकी आंखों पे ज्यादा रोशनी पड़ती है और हमें उसके आसपास गर्माहट भी लगती है। फील किया है आपने? यस मैम, यस मैम। जब हम CFLs का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारी आंखों पे उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, और दूसरा हमारे आसपास का एयर उतना गर्म नहीं होता है, तो इसलिए हमें इसको इस्तेमाल करना है, CFLs का। एंड जब जरूरत ना हो तो अपने जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, दैट मीन्स कि जो आपके बिजली के उपकरण है, उन्हें बंद कर देना चाहिए, टू सेव एनर्जी, एनर्जी को सेव करने के लिए, क्योंकि जितने ज्यादा हम बिजली के उपकरण जलाते हैं उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी पड़ती है, और उतना ज्यादा हमारा एटमोस्फेयर गर्म होता है। तो इसलिए ही अगर हमें जरूरत ना हो तो हमें बिजली के उपकरण बंद कर देने चाहिए। ओके तो आपको बेवजह अपना टीवी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, लाइट बेवजह नहीं चालू रखना है। ओके जब उनकी जरूरत ना हो तो आप लोग बंद कर दें, जब जरूरत हो तभी चालू रखना है। ओके तो ध्यान रखेंगे आप इसका? यस मैम, फर्स्ट वर्ड पढ़ा है रिड्यूस, अब नेक्स्ट आता है रियूज, रिसाइकल को अभी हम बाद में पढ़ेंगे। इट मीन्स टू रियूज ओल्ड एंड यूज प्रोडक्ट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हमारे घर में कूड़ा, हमारे घर से कूड़ा कचरा कम निकले, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एक ही चीज का दोबारा इस्तेमाल कर लें। जैसे हमारे यहाँ बॉटल आती है पानी की, प्लास्टिक वाली, तो हम उसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके देखिए आगे आपको दिया भी है, इट ऑल्सो रिजल्ट इन फ्यूअर परचेज ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट। तो इससे क्या हो सकता है, हमें कम चीजें खरीदनी पड़ेगी और नई चीजें बनानी पड़ेगी मार्केट वालों को, विच रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी टू बी मैन्युफैक्चर्ड। तो हम इन्हें बनाने के लिए, इन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, इनको बनाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी,
By reusing, we not only save the earth from burden of unnecessary garbage. तो अगर हम इसको दोबारा यूज कर लेते हैं तो केवल हम अपनी जमीन को, हम अपनी अर्थ को ही नहीं बचाएंगे ज्यादा गार्बेज से, क्योंकि हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ज्यादा कूड़ा होगा, ज्यादा भार होगा। और अगर हम उसी चीज को दोबारा यूज कर लेते हैं, यानी कि हमारी जमीन पे बर्डन कम हो जाएगा, गार्बेज कम होगा, हम इससे एनर्जी भी सेव कर सकते हैं, कूड़ा भी कम होगा और हमारी एनर्जी भी कम बचेगी, क्योंकि इन चीजों को दोबारा तैयार करने के लिए ज्यादा मशीनें नहीं यूज करनी पड़ेंगी। और इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी ठीक रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए आपको क्या क्या चीजें दोबारा आप यूज कर सकते हैं। तो आपको अपनी थिंग्स, दैट मींस कि जो यूज हो सकती हैं, जैसे कि अपने पुराने कपड़े, अपनी बुक्स एंड आपके टॉयज, इनको आपको फेंकना नहीं चाहिए, किसी को दे देना चाहिए। ओके, और जैसे बेटा आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे जो गार्बेज कलेक्टर आते हैं ना, वो बोतल पॉलिथीन वगैरह कलेक्ट करके ले जाते हैं, देखा है ना आपने? यस मैम। तो वो लोग वो लोग उन्हें ले जाकर के फैक्ट्रियों में देते हैं और उन्हीं से नई चीजें तैयार हो जाती हैं, यानी कि हमें नई किताबें बनाने के लिए दूसरा पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लास्टिक की बोतल के लिए हमें दोबारा प्लास्टिक नहीं तैयार करना पड़ेगा, उन्हीं पुरानी वाली से दोबारा से नया बन जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसे दोबारा यूज कर सकें। और घर पे भी आप यूज कर सकते हैं दोबारा, जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था प्लास्टिक की बोतल का, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ सामान रखने के लिए। ओके, यस मैम। पॉलिथिन जो आपके घर में आती है उसे आप रख सकते हैं, पॉलिथिन को फेंकेंगे नहीं कूड़े में, उसे धुल के रख लेंगे, उसमें कोई और चीज रख सकते हैं, या फिर आप इकट्ठा करके रखेंगे उनका काम ही पड़ता है, या फिर आप उसे इकट्ठा करके रखते हैं बेच सकते हैं उसे। ओके मैम, तो हमें इन चीजों को डायरेक्टली फेंकना नहीं है। तो बेटा आज का टाइम ओवर होने वाला है, हमारा ये रिसाइकल वाला रहता है, तो हम एक बार नेक्स्ट क्लास में ना इन तीनों ऑप्शन को दोबारा से रिवाइज करेंगे। ओके, पहले तो आज जो पढ़ाया समझ आया सभी को? यस मैम, यस मैम। नेक्स्ट क्लास में हमें रिसाइकल प्रोसेस पढ़नी है और आप सभी को पिछला रिवाइज करके आना है। ओके स्टूडेंट, यस मैम। और जितना पढ़ा है उसे याद रखना है, माइंड में रखना है। ओके यस मैम। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही, गुड बाय एवरीवन। मैम गुड बाय, गुड बाय। बर्ड मीनिंग मैम सेंड कर दीजिए, बर्ड मीनिंग आपको सेंड कर दी जाएगी। ओके, यस गुड बाय एवरीवन, गुड बाय।